बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर का मतलब है हमारी ज़मीन की ऊपर इर्द गिर्द जो गैसेस मौजूद है इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। दूसरी डिफिनेशन है द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। हमारी ज़मीन को ये कंबल बना देती है, यानी ऊपर की जितनी भी गैसेस है वो मौजूद होते हैं और उस मौजूदगी उन गैसेस की मौजूदगी ज़मीन की ऊपर होती है, जिस तरह कंबल इंसान की ऊपर होता है। एटमॉस्फेयर को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं 5 सेगमेंट्स में, यानी एटमॉस्फेयर के 5 लेयर होते हैं। 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मीजोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर और पांचवा आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर ज़्यादातर बुक्स में नहीं दिया होता है, लेकिन ये भी मौजूद है। ट्रोपोस्फेयर पहला स्फेयर होता है। इस स्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। हम जिस ज़मीन पर चलते रहते हैं इस स्फेयर को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। इसका रेंज 0 से लेके 12 किलोमीटर तक, यानी रेंज ऑफ ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम 0 to 12 km। ज़मीन के जिस पर हम चलते हैं इससे 12 किलोमीटर ऊपर हम चले जाएं तो यहाँ 12 किलोमीटर जाने तक जो एरिया आता है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। यहाँ टेम्परेचर जो है ये -53 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, यानी ट्रोपोस्फेयर की टेम्परेचर -53 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। स्ट्रेटोस्फेयर दूसरा स्फेयर है, यानी ट्रोपोस्फेयर के बाद एटमॉस्फेयर का दूसरा स्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक जमीन से ऊपर अगर हम चढ़े तो इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। टेम्परेचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर -53 डिग्री सेंटीग्रेड था और स्ट्रेटोस्फेयर का -3 डिग्री सेंटीग्रेड है। द टेम्परेचर ऑफ स्ट्रोपोस्फेयर इंक्रीजेज विद इंक्रीज द एल्टीट्यूड। स्ट्रोपोस्फेयर यानी -53 और -3 में -3 गर्म है, -53 बहुत कूल्ड है -3 के नस्बत। तो इसमें वो लिखते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इंक्रीजेज विद इंक्रीज द एल्टीट्यूड। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल स्पीशी कॉल्ड एज ओजोन। ये टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में ओजोन मौजूद होता है। मीजोस्फेयर ये तीसरा स्फेयर है। मीजोस्फेयर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर above the surface of earth, yani mesosphere extends from 50 km to 80 km above the surface of the earth, yani 0 se 12 km troposphere, stratosphere 12 se 50, 50 to 80 is mesosphere, aur mesosphere ka temperature phir cool ho jata hai, yani temperature of mesosphere decreases with increase of altitude. This decrease is due to the absence of ozone. Temperature of mesosphere is -93 degree centigrade. चौथा स्फीयर हमारे पास थर्मोस्फीयर होता है। थर्मो हीट को कहते हैं और स्फीयर ऑर्बिट को। The thermosphere extends from 85 km to 700 km above the surface of the earth. The temperature of the thermosphere increases with increase in the altitude and it increases up to 2000 degree centigrade. Ionosphere, this is the 5th sphere and this layer is ionized by the solar radiation. यानी यहाँ जितनी भी atoms, जितनी भी चीजें होती है वो हमारे पास ions की शक्ल में होती है। It ranges from 700 km above the surface of the earth and it is very hot. ये figure है, figure में आप आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारे पास troposphere है वो 12 किलोमीटर तक होता है, 0 से 12 किलोमीटर तक उसकी रेंज होती है और टेम्परेचर उसका होता है -53 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि दूसरा स्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर होता है और स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो 12
12 से 50 केम तक होता है और इसकी टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मीजोस्फीयर थर्ड स्फीयर होता है और उसकी टेम्परेचर -93 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और इसकी जो अबाउ द अर्थ सरफेस जिसकी लंबाई है 50 से 80 किलोमीटर, जबकि थर्मोस्फीयर हमारे पास 700 केम अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स टेम्परेचर इज वेरी हॉट, इट्स टेम्परेचर इज अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो टेम्परेचर हमारे पास वेरी होता है। पहला हम प्रेशर की बात करते हैं। साइलेंट सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटमॉस्फेयर, द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर रेंजेस फ्रॉम 1 एटमॉस्फेयर और 1 atm एट सी लेवल टू 10^3 × 10^-7 एटमॉस्फेयर 100 km above the sea level। दूसरा टेम्परेचर की हम बात करें, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेंजेस फ्रॉम -93 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। -93 हमारे पास मीजोस्फीयर में होता है जबकि 2000 जो है ये थर्मोस्फीयर में होता है। द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 5×10^15 टन व्हिच इज इक्वल टू 1,000,000 ऑफ द टोटल मास ऑफ द अर्थ। दूसरा टॉपिक आज का जो है वो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर लिथो का मतलब है रॉक, लिथो मींस रॉक और स्टोन, स्फीयर मीन ऑर्बिट और एरिया, द सॉलिड एरिया द रॉक पोर्शन द स्टोन पोर्शन द सॉलिड पोर्शन द सॉलिड एरिया द सॉलिड ऑर्बिट द सॉलिड ऑर्बिट ऑफ द अर्थ ऑन व्हिच मैन इज लिविंग इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, हमारा जो अर्थ है इसको हम 3 मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड करते हैं। पहला लेयर जो है इसको क्रस्ट बोलते हैं, दूसरे को मेंटल, तीसरे को कोर बोलते हैं। क्रस्ट जो है ये इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, वो लेयर जिस पर हम चलते हैं इट इज कॉल्ड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। एंड क्रस्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड ओशियानिक क्रस्ट एंड अदर इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। रेंजिंग फ्रॉम 5 km टू 70 km इन डेप्थ, यानी 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर जमीन की गहराई में जो एरिया आता है इसको क्रस्ट बोलते हैं। फॉर्म फ्रॉम सिलिकॉन एल्यूमिनियम, यानी इस क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है और ये जमीन का 0.5% हिस्सा कवर करता है। इसकी एवरेज डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। दूसरा जो अर्थ का लेयर आता है उसको मेंटल बोलते हैं। मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट एंड एक्सटेंड्स 2900 km बिलो द क्रस्ट। इट कंस्टिट्यूट्स 84% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। फॉर्म फ्रॉम सिलिकॉन मैग्नीशियम, एवरेज डेंसिटी इज 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोर आखिरी लेयर होता है, कोर इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। द कोर कंप्राइजेस ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पोर्शंस, आउटर कोर इज लिक्विड एंड अबाउट 5100 km डीप, वाइल द इनर कोर इज सॉलिड एंड अबाउट 6300 km डीप। यानी क्रस्ट जो है वो हमारे पास 5 km से लेकर 70 km तक है, मेंटल 70 km से लेके 2900 km तक है। कोर हमारे पास 2900, कोर का जो आउटर मोस्ट आउटर कोर बोला जाता है वो 2900 से लेके 5100 km तक, जबकि इनर कोर जो है वो 6300 km तक डीप होता है। फॉर्म फ्रॉम निकल फेरियस एंड इट कवर 17% ऑफ द अर्थ। एवरेज डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाइल द एवरेज डेंसिटी ऑफ द इनर कोर इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फ्रेंड्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारे पास आउटर कोर होता है वो चूंकि लिक्विड होता है इसलिए इसकी डेंसिटी कम होती है, जबकि दूसरी जो इनर कोर होता है इसकी डेंसिटी इसलिए ज़्यादा होती है कि ये सॉलिड होता है। डायग्राम है आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास इनर कोर जो है वो नीचे है, फिर इसके ऊपर आउटर कोर है, फिर मीजोस्फीयर जिसमें हमारे पास मेंटल होता है और मेंटल के ऊपर फिर क्रस्ट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करें, मैं इंशाल्लाह आंसर करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।